ये नोबल गैस हमारे एटमॉस्फेयर में भी है और इसको जाना जाता है अपनी अनरिएक्टिवनेस के लिए। साथ ही सभी नोबल गैसेस में ये सबसे ज्यादा यूज की जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अर्गॉन की, जिसकी टेक्निकल डिटेल्स के साथ उसके यूजेस को आज हम समझेंगे जाने दुनिया 10 मिनट में। अब इसकी डिस्कवरी कैसे हुई? हालांकि अर्गॉन अर्थ के एटमॉस्फेयर में अबंडेंट है, पर 1894 तक इसको डिस्कवर नहीं किया जा सका, जब लॉर्ड रायले और विलियम रामसे ने पहली बार इसको लिक्विड एयर से सेपरेट किया। अच्छा, इस गैस को 1785 में हेनरी कैवेंडिश ऑलरेडी आइसोलेट कर लिए थे, जिन्होंने पाया कि एयर का 1% हिस्सा ऐसा था जो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। फाइनली 1894 में इसी चीज के आगे के इन्वेस्टिगेशन करते हुए अर्गॉन की खोज हुई। अब आइए जानते हैं अर्गॉन के बारे में कुछ क्विक फैक्ट्स। अर्गॉन का एटॉमिक नंबर है 18। पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स पर इसका सिंबल है Ar और इसका मेल्टिंग पॉइंट है -189.35 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ अर्गॉन। अर्गॉन को कई बार ऐसी जगह यूज किया जाता है जहां नॉन रिएक्टिव एटमॉस्फेयर की नीड होती है। इस तरह से उसको टाइटेनियम के प्रोडक्शन में भी यूज किया जाता है। अर्गॉन को वेल्डर्स द्वारा वेल्ड एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है। अर्गॉन पुराने स्टाइल वाले लाइट बल्ब्स में भी होता है, ताकि जिस फिलामेंट के थ्रू बल्ब लाइट अप हो रहा है उसको ऑक्सीजन डैमेज ना कर दे। न्यू टेक्नोलॉजी वाले CFLs या कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट्स और लो एनर्जी लाइट बल्ब्स में भी अर्गॉन और मर्क्यूरी मौजूद होते हैं, जो बल्ब को लाइट अप करने में हेल्प करते हैं। डबल ग्लेज्ड विंडोज में भी अर्गॉन को विंडो पेन्स के बीच की स्पेस को फिल करने के लिए यूज किया जाता है। लग्जरी कार्स के टायर्स में भी बहुत बार अर्गॉन फिल्ड होता है, ताकि टायर्स की रबर को प्रोटेक्ट किया जा सके और रोड नॉइस को कम किया जा सके। ये तो ही अर्गॉन की बात, पर और भी एलिमेंट्स हैं जिसका कुछ ना कुछ रोचक इस्तेमाल हम लोग अपनी लाइफ में करते ही हैं, जिनके बारे में आप जान सकते हैं आपकी लेफ्ट साइड वाली प्लेलिस्ट में। हमारे चैनल का सबसे रीसेंट वीडियो आपको मिलेगा आपकी राइट साइड वाले लिंक पे। तो मिलते हैं इन वीडियोज में।